गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपने मैकबेथ का पार्ट एक्ट फर्स्ट पढ़ा था और आज हम जो है मैकबेथ का एक्ट सेकंड कंटिन्यू रखेंगे एंड आई थिंक दिस विल बी यूजफुल फॉर द टीजीटी स्टूडेंट्स आल्सो। तो स्टार्ट करते हैं मैकबेथ एक्ट सेकंड एंड सीन सेकंड में एंड सीन सेकंड में सीन फर्स्ट में सॉरी मैकबेथ एक्ट फर्स्ट एक्ट सेकेंड एंड सीन फर्स्ट में क्या है। बैंको एंड हिज सन फ्लिंस वर गोइंग टू बेड, दिस वॉज द माइनर डिस्क्रिप्शन एंड आफ्टर दैट मैकबेथ रिमेन्स अलोन एंड ही सॉ अ डैगर। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है डैगर सीन मोस्टली पूछा जाता है कि कौन से एक्ट में और कौन से सीन में है। देन यू शुड रिमाइंड दैट इट इज़ इन एक्ट सेकेंड एंड सीन फर्स्ट। डैगर सीन क्या है? डैगर सीन में मैकबेथ जो है ही वॉज इमेजिनिंग, क्या इमेजिन कर रहा है? दैट ही इज सीइंग अ डैगर बिफोर हिज आइज, उसकी आंखों के सामने एक डैगर है, दिखाई दे रहा है। एंड ही आस्क्स अ क्वेश्चन, क्या पूछता है? इफ दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर माई आइज। ये दीज आर द वेरी इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ द सीन एंड ही वॉज वेरी कन्फ्यूज टू सी द डैगर। कहता है कि ये रियल है या नहीं है। डैगर से बोलता है कम लेट मी क्लच इट, मुझे इसे पकड़ने दो। लेकिन समझ में नहीं आ रहा उसे ये सही है या गलत है। कहता है इफ़ इट इज़ द डैगर ऑफ माई इमेजिनेशन, क्या ये मेरे इमेजिनेशन का डैगर है? डैगर उसे रास्ता दिखा रहा है टुवर्ड्स द डंकन्स रूम, डंकन के रूम की तरफ उसे रास्ता दिखाता है। फिर थोड़ी देर में कहता है कि अरे इस पे तो ब्लड के गाउट दिखाई दे रहे हैं जो कि पहले नहीं थे। ये तो डैगर बिल्कुल मेरा जैसा डैगर है, उसी की तरह है। बहुत सारे क्रिटिक्स बाद में इस बात को डिस्कस करते हैं क्या ये रियल डैगर था, क्या ये शेक्सपियर के माइंड का, क्या ये मैकबेथ के माइंड का इमेजिनेशन था। इन सेकेंड सीन वी सी मर्डर ऑफ डंकन। जैसा कि पता है मर्डर तो मैकबेथ ने किया, बट उसको इनकरेज करने वाली लेडी मैकबेथ थी और लेडी मैकबेथ के कहने पर ही मैकबेथ ने डंकन का मर्डर किया। डंकन मर्डर तो कर देता है लेकिन ही हैज़ अ लॉट ऑफ गिल्ट इन हिज माइंड। अपने हाथों को ऐसे देखता है, ओ माय गॉड व्हाट आई हैव डन, क्या कर डाला मैंने। लेकिन लेडी मैकबेथ एक बार फिर देखती है डैगर ले आया साथ में, गो ये डैगर ले जाके वहीं डाल दो। मैकबेथ क्या कहता है? मुझे डर लग रहा है, मैं ये सोच के डर लग रहा है मैंने क्या कर डाला, करेज नहीं है मेरे अंदर कि मैं दोबारा वहाँ जाऊँ। लेडी मैकबेथ कहती है इन फॉर्म ऑफ पर्पस, ये लाइन है, हैड ही नॉट रिसेम्बल माई फादर ही स्लेप्ट आई डिड इट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस सीन की, यदि वो मेरे फादर के जैसे नहीं दिखते तो मैं ये मर्डर कर देती। दिस लाइन इज स्पोकन बाई लेडी मैकबेथ एंड दिस लाइन इज स्पोकन बाई मैकबेथ When he saw his hand after killing the Duncan, he says, "This is a sorry sight." हाथों को देख रहा है which are smeared with blood. बहुत sorry sight है. Macbeth became confused when Lady Macbeth goes into the room where to put the dagger. Lady Macbeth जब जाती है king के room में dagger रखने के लिए, Macbeth जो था वो बहुत ज़्यादा confused था। कहता है आई स्टिल समवन इज क्राइड स्लीप नो मोर। ये लाइन भी बहुत अक्सर पूछी जाती है, किसने बोला? मैकबेथ को पूरे रूम में सुनाई दे रहा था स्लीप नो मोर
मैकबेथ ने मर्डर किया है सोते हुए का, सो मैकबेथ भी कभी सो नहीं पाएगा। जब लेडी मैकबेथ वापस आती है, मैकबेथ उससे कहता है, उसे आवाज़ सुनाई दे रही है, लेडी मैकबेथ का आंसर है इनफॉर्म ऑफ द पर्पस। कितना इनफॉर्म है पर्पस में, गिव मी डैगर द स्लीपिंग एंड डेड आर बट एज पिक्चर। कहती है मैकबेथ जाने में डर रहा है उस रूम में दोबारा, लेकिन लेडी मैकबेथ कहती है मुझे दे दो डैगर और मैं जाके जहाँ राजा पड़ा हुआ है वहाँ ले जाके रख दूँगी, बिकॉज सोते हुए और डेड बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है इसमें जो मोस्टली पूछी जाती है, ये किसने लिखी है, ये किसने बोली है। तो जब मैकबेथ ने मर्डर किया उसके बाद ये लाइन जो है सॉरी साइड, इसके बाद एक और लाइन बोलता है, हा व्हाट हैंड आर हेयर, व्हाट हैंड्स आर हेयर, क्या हाथ है ये, it seemed they plucked out mine eyes, this scene shows that Macbeth, although he murdered King Duncan, yet he has a lot of guilt in his mind, and after killing the Duncan, he lost the peace of his mind. Now in scene third kya hai, Porter scene is also known as a comic relief scene, ise hum comic relief bhi jante hain. Comic relief kya hai, एक टर्म है जो विलियम शेक्सपियर ने हर ट्रेजिडी में यूज़ किया है, एंड इट इज़ यूज्ड टू मेक द रीडर लॉफ, क्योंकि प्रीवियस सीन में हमने क्या देखा, बहुत सारा मर्डर, रेस्टलेस माइंड ऑफ मैकबेथ, तो क्या होता है कि जो ऑडियंस है वो देख के फेडअप हो जाती है, ऑडियंस के माइंड को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए एक ऐसा सीन डाला जाता है जिसमें कुछ ह्यूमर होता है, और ये ह्यूमरस सीन जिसे हम कॉमिक रिलीफ सीन के नाम से भी जानते हैं, ये पोर्टर सीन है। पोर्टर सीन में क्या होता है, एक पोर्टर है जो मैकबेथ की कैसल जिसका नाम है इनवरनेस, उसके गेट पे खड़ा हुआ है, एंड ही इज़ ड्रिंकिंग, यू कैन रिमाइंड जॉनी लीवर, और वो गेट पर बैठा है, कोई आ रहा है फिर से, हु इज़ ऑन द नेम ऑफ बेल्जेबब, क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी ये लाइन भी पूछ ली जाती है, किसने बोली है, हु इज़ ऑन द नेम ऑफ बेल्जेबब, फिर पता चल रहा है टेलर आ रहा है या कोई आ रहा है, तीन चार पीपल आते हैं, ये क्वेश्चन भी पुटअप होता है कि कौन कौन इंटर होता है, तो तीन चार पीपल अंदर आते हैं और थोड़ा सा ह्यूमरस है, ह्यूमर यूज़ किया है, हंसाने की कोशिश की है रीडर्स को। उसके बाद इसी सीन में हम देखते हैं कि मेलकम जो है, हमें पता चलता है कि मेलकम जो है इंग्लैंड चला गया, वी ऑल्सो सी कन्वर्सेशन ऑफ मेलकम एंड डोनल बेन इन द सीन, मेलकम और डोनल बेन आपस में बात करते हैं, दे डिसाइड टू रन अवे, उन्हें लगता है कि जब उनके फादर का मर्डर कोई कर सकता है यहाँ, तो जो वहीं छुपा हुआ है और मॉर्न कर रहा है उसकी डेथ पे, तो मे बी कोई ऐसा है जो उनका भी नुकसान कर सकता है, तो वो डिसाइड करते हैं क्या, चले जाने का, मेलकम डिसाइड करता है इंग्लैंड जाने का, एंड डोनल बेन डिसाइड करता है आयरलैंड जाने का, क्वेश्चन इसमें से भी पुटअप किया जा सकता है कि मेलकम कहाँ जाता है एंड डोनल बेन कहाँ जाता है, छोटे छोटे से माइनर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सीन फोर है आपका, और सीन फोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, इसमें कन्वर्सेशन हम पाते हैं रॉस एंड ओल्ड मैन का, रॉस एंड ओल्ड मैन जो हैं वो बातें कर रहे हैं, जो अननेचुरल डीड हुई हैं प्रीवियस सीन में उसके बारे में बात करते हैं, दे आल्सो लर्न दैट डंकन सन हैड फ्लेड, उन्हें ये भी पता चलता है कि डंकन के सन जो हैं वो कहीं चले गए हैं, एंड मैकबेथ विल बिकम द नेक्स्ट किंग, उन्हें ये भी पता चलता है कि मैकबेथ नेक्स्ट किंग बनेगा। सो स्टूडेंट्स, आज आपने एक्ट सेकेंड पढ़ा, एक्ट सेकेंड में फोर सीन है, फर्स्ट सीन जो था इम्पोर्टेंट था जिसमें आपने डैगर सीन के बारे में पढ़ा,
और सेकंड सीन था तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें किंग डंकन का मर्डर होता है और मैकबेथ के माइंड को देखते हैं कि मैकबेथ कैसे गिल्ट फील कर रहा है। थर्ड सीन जो कि पोर्टर सीन है, इट इज़ आल्सो आस सम टाइम। एंड सीन फोर्थ, जिसमें कि कन्वर्सेशन है रॉस एंड ओल्ड मैन का, एंड हमें इसमें ये पता चलता है डंकन के सन जो हैं वो मर्डर करने के बाद अपने फादर का, ऐसा कहा जाता है किया नहीं, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने ही फादर का मर्डर किया और चले गए, इसलिए चले गए। तो ये आपका सीन सेकंड था, एक्ट सेकंड था, एंड थर्ड एक्ट इन नेक्स्ट वीडियो। सो वॉच अगेन।